इसकी आबादी लगभग 1600 है और जहाँ पे इस समय हम आ पहुँचे हैं धारीकला गांव, जहाँ पर विकास 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 लगातार विकास हो रहा है और गाजीपुर ज़िले का एक ऐसा ग्राम पंचायत जो कि आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुका है। मैं सुशील तिवारी अपने YouTube चैनल से, मेरा वीडियो देखें, एक अद्भुत ग्राम पंचायत यहाँ के ग्राम प्रधान दल सिंगार जी ने किया है। अंदर हम आते हैं और पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले गाजीपुर ज़िले में आंगनबाड़ी की बात होती है, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे आंगनबाड़ी में गड़बड़ घोटाला क्या क्या होता है। यहाँ पर लिखा है रोजगार सेवक बीसी सखी आशा आंगनबाड़ी कक्ष और मैं इस समय लगभग बज चुके हैं 3 बजने वाले हैं और मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ और अंदर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए तो फैन चल रहा है और इसके साथ साथ ये देखिए ये सिस्टम है। यहाँ पे मैं आपको सिस्टम दिखा रहा हूँ, आंगनबाड़ी केंद्र है धारीकला का और यहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रिंटर व पूरी मशीनें रखी गई हैं। अब हम आगे आ जाएं, बहुत सारे ऐसे गांव के जो ग्राम प्रधान हैं, जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सुशील भाई क्या आएंगे आप, विकास कुछ हुआ ही नहीं है, अभी हम काम करवाए ही नहीं हैं। ये देखिए ये टाइल्स लगा है और कितना शानदार टाइल्स है, आप ज़रूर यहाँ पे आए। धारीकला का ये गांव और मैं अंदर भी आपको दिखा दूँ, सभा कक्ष है और ये देखिए ये मैं आपको दिखा दूँ, बायोमेट्रिक से काम होता है। इसके साथ साथ जो ये कूड़ा, जो भी आप कूड़ा हो आप इसमें डालते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर हम आ जाएं तो यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उत्तर और भारत के प्रधानमंत्री की फ़ोटो, इसके साथ साथ महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंबेडकर फ़ोटो लगी हुई है, इसके साथ साथ स्वच्छता की मिसाल महात्मा गांधी का एक सुंदर सा चित्र भी यहाँ पे दर्शाया गया है और इसके साथ सामने देखें तो गौतम बुद्ध, सामने आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध की शानदार चित्र को उकेरा गया है। अब मैं थोड़ा अंदर आ जाऊं, महिला प्रसादन कैसा है थोड़ा ये भी देख ले, बहुत सारे गांव में आप जाएंगे तो है ही नहीं। अब थोड़ा अंदर हम आ जाते हैं, अंदर थोड़ा सा देख लें, यहीं से यहाँ पर ये बना हुआ है इस पंचायत भवन में धारीकला में। अब थोड़ा सा आप अंदर आ जाएं, पुरुष के लिए भी जो व्यवस्था है यहीं से वो काम होता है, चेयर आपको लगे हुए मिलेंगे और इसके साथ साथ अब पुरुष प्रसाधन के यहाँ पे है, पुरुष प्रसाधन भी है, मैं आपको दिखा दूँ, लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर और ठीक सामने ग्राम प्रधान भी। विकास अभी हुई, हाँ यही तरह विकास बढ़त रही, जौले पानी तोले, हाँ जबले रह। विकास यहाँ की हुई कि जो अति उत्तम हुआ है दल सिंहार जी के माध्यम से, यहाँ का काम इतना अच्छा हुआ है कि बहुत ही सराहनीय है। हम लोग बाहर से आते थे तो देखते थे कि यहाँ रास्ता नहीं था आने का, लेकिन आज जो है रास्ता इतना अच्छा है कि हर एक आदमी आ सकता है और बड़े अच्छे साधन से आता है और लोग कहते हैं कि यहाँ पर आइए और यहाँ का कार्य देखिए। अन्य प्रधान जी लोग भी यहाँ का कार्य देखने आते हैं, इतना सराहनीय कार्य कि इस गांव के प्रधान जी को अगर गांव की सहमति हो तो निर्विरोध चुन लिया जाए तो अति उत्तम होगा और आजीवन ये सेवा करते रहे। हमारे गांव के प्रधान दल सिंहार प्रधान हैं जो कि अपना परिश्रम से इस गांव का इतना विकास किए हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा, ना कर सकता ना होगा। धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा सा अंदर आ जाए, गाँव के लोग हैं, मैं ऐसा नहीं है, देखिए सामने थोड़ा सा मैं आ जाऊँ, ये पुरुषों के लिए है, पुरुषों के लिए हैं, बगल में पानी की भी व्यवस्था है, आरओ की मशीन यहाँ पे आपको लगी हुई मिल जाएगी और गांव के लिए, हर गांव में ऐसा विकास होना चाहिए लेकिन जिस ग्राम प्रधान में दम है, जिस ग्राम प्रधान ने वो सपना देखा है, करूँ गौशाला पूरा बन गया है, वृद्धा पेंशन पूरा बन गया है, इसके साथ साथ इंटरलॉकिंग पूरा बन गया है और इसके साथ साथ गांव में जब आप जाते हैं तो गाजीपुर में ऐसे कम गांव आपको मिलेंगे। अंदर से अंडरग्राउंड नालियां हैं, नालियां आपको अंडरग्राउंड मिलेंगी, मतलब विकास के धरातल पर
जो चीज़ें होनी चाहिए लगातार इस गांव में हुई हैं। मैं सामने भी आपको दिखाऊं, लगातार पेड़ पौधे आपको मिलेंगे जो कि इस समय हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर से अब मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राम पंचायत सचिवालय धरीकला। एक मिसाल के तौर पे मैं अगर इसे देखूं तो सच में इतिहास वही बनाते हैं जो इतिहास को बदलने की कुवत रखते हैं। इतिहास बन गया है धरीकला में। गाजीपुर से और भी ग्राम प्रधान हैं, मैं वहाँ से आपको वो वीडियो भी लाऊंगा। विकास का क्रम लगातार यहाँ पर चला है। अगर थोड़ा सा मैं आगे आ जाऊँ तो छोटा सा गांव है गाजीपुर में, आपको बड़े बड़े गांव मिलेंगे लेकिन विकास से कुछ दूर। अब ये देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय धरीकला का क्षेत्र है और इतना बड़ा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ जिस गांव की आबादी 1700-1800 है, इतना शानदार क्षेत्रफल के लिहाज से भी देखें और कितने शानदार तरीके से इसे उकेरा गया है। मैं सुशील तिवारी ये वीडियो ला रहा हूँ, मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और धरीकला में एक बार आप आएँ, धरीकला में आप आएँ और देखें ग्राम प्रधान जो बनते हैं, जो अपने सपने को बुनते हैं, सपने जो देखते हैं, लेकिन सपना वही देखता है जो कि इसे पटल पे पूरा करे। मैं सुशील तिवारी इस समय गाजीपुर के धरीकला से। मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।